एंड वेलकम मेरे पहले पहले व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े मजेदार शिमला कीमा, वो भी मेरी मम्मा के चैनल से। ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बताती हूँ शिमला मिर्च और कीमा, जिसके लिए हमें चाहिए चार अदर शिमला मिर्चें, दो अदर कटी हुई बारीक प्याज, तीन से चार अदर टमाटर, हाफ के जी कीमा, दो से तीन चमचे दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, एक से दो चमचे, एक टीस्पून हल्दी, चॉप की हुई हरी मिर्चें, नमक हाफ, ये एक चमचा जीरा है और कलौंजी है, हाफ टी स्पून है आपके पास काली मिर्चें हैं, एक टी स्पून है कुटी मिर्चें और एक टी स्पून है कुटा हुआ धनिया। लेकिन हमें व्यवस्था चाहिए शिमला मिर्चें जो होती हैं वो स्क्वायर शेप होनी चाहिए, ताकि इसकी जो कैप निकालेंगे तो यहाँ से कैप निकालेंगे ताकि आराम से देखिए में यूँ करके रख दें, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म का शिमला मिर्च है। अब आइए देखते हैं, हम चॉप कर लेते हैं टमाटर और प्याज को लाल कर लेते हैं। ये देखिए हमने एक कप तेल डाल दिया और वो मिक्स प्याज डाल दिए, देखिए बारीक कटी हुई है फ्राई होने में, जब अच्छी सी फ्राई हो जाए तो उसमें हम कीमा डाल देंगे। ये देखिए हम कलौंजी डाल दें इसमें, थोड़ी सी फ्राई हो गई तो उसके बाद कीमा डाल देंगे। ये देखें इस कलर की हो जाए प्याज, तकरीबन पिंक कलर की हो गई है, अब हम कीमा डाल देंगे इसमें। कीमा डाल दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, अब उसको भून लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद सारे तमाम मसाले डाल देंगे जो मैंने आपको। ये देखिए इसमें हल्दी जा रही है, तमाम मसाले जा रहे हैं सब। चॉप किए हुए टमाटर, इसको भूनने तकरीबन हाफ आधा घंटे के लिए हम इसको भूनने के लिए रख देंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका और ये तकरीबन पक चुका है आधा। अब इसमें तीन से चार चम्मच हम दही डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसलिए क्योंकि हम इसमें टमाटर भी डाल चुके हैं। पाँच से दस मिनट ये पकेगा, फिर हम शिमला मिर्च में इसको फिल कर देंगे। कीमा बन रहा है, हम ये शिमला मिर्च काटना बता रहे थे किस तरीके से काटना है और इस शेप में लेनी शिमला मिर्च ताकि आराम से हम कीमा भर सकें। ये देखिए यूँ करके इसकी कैप निकालनी है हमने, कैप निकल रही है और इसके अंदर के जो बीज है ये हम इस तरह से निकालेंगे इसके। ये बीज निकल चुके हैं, अब इसमें हमें कीमा भरेंगे और उसको कैप लगा देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए रख देंगे ताकि ये स्टीम में पक जाए। ये देखिए सारे हमने ये कैप निकाल ली है उसकी और सीड भी अलग कर लिए हैं। इस तरीके से काटना है ताकि कीमा जब फिल करें तो आराम से हम इसको बंद कर दें और फिर देगची में वापस रख दें। अब चलते हैं, कीमा पक चुका तकरीबन, हमने हाफ टी स्पून गर्म मसाला डाला और ये हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया और इसको हमने अब बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए बाउल में निकाल लिया, अब स्पून की मदद से हम इसको एक एक स्पून डालते जाएंगे इसमें। जितना दिल चाहे आप फिल कर लें, ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, क्योंकि हमें कीमा देगची में बचाना है ताकि उसी के ऊपर रख के हम इसको स्टीम दे लें। ये हमने फिल कर दिया, इसका कैप लगाएंगे। ये देखिए ये फिल हो गया, अब इसको देगची में वापस डालेंगे कीमा ताकि इसी के ऊपर रख के ये स्टीम हो जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से हमने स्प्रेड कर दिया इसको कीमे को और इसको एक एक करके रखते जाएंगे और कैप लगाते जाएंगे।
10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे ताकि ये शिमला मिर्चें पक जाए अच्छी तरीके से। ये देखें पक चुका है, ये तकरीबन 20 मिनट में पका है और डिपेंड करता है शिमला मिर्चों पर, अगर वो 5 से 10 मिनट में गल जाती हैं और अगर नहीं गले तो आप 20 मिनट तक भी रख सकते हैं इनको पकने के लिए, बिल्कुल इस शक्ल में आ जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए जो हमारा शिमला कीमा है वो तैयार हो चुका है और देखो मैं तो बहुत ही खतरनाक और यमी किस्म का लग रहा है। उसका कैप खोल के बताऊंगी किस तरह का बना है। वाओ इतना अच्छा लग रहा है ये, वाओ मैं खा के बताऊंगी किस तरह का बना है ये। टेस्टी बनाए। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में नई और चीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।